लाला की जान, अगर तुम्हारे पर्स में रखी हुई रकम तुम्हारी पर्स की कीमत से ज़्यादा नहीं है तो तुम इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि ना तो तुम्हें खाला की मेहनाज मुंह लगाएगी और ना पुप्पो की शहनाज। और आज का ब्लॉग शुरू होता है यहाँ से। लाले की जान, क्या हाल है? आज है भाई जान सैटरडे, अभी जागे हैं, देख रहे होंगे बाल सूती उठियाँ तो बाल खिल रहे ने, अभी नहा के निकले हैं। और ये सीन है कि मैंने जाना है अम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने एक डॉक्टर साहब को, उनसे अम्मा का वो जो चेकअप चल रहा है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ चाय शाय पियेंगे, आज नाश्ता लेट करेंगे, और रास्ते में कोई मिल गया ऐसे ही उसके साथ भी मगजखोरी कर लेंगे माड़ा। अगर मगजखोरी के लिए आपको कोई भी ना मिले तो आपको अपनी कंपनी इंजॉय करनी चाहिए, और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। हाँ भैया, मैं अभी रास्ते में ही था तो मैंने एंट्री करानी थी गेट से, गार्ड साहब बैठे थे एक, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मुझे ना कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, वो तो लिख दें। मैंने कहा इस टाइम छुट्टी नहीं होती, लिख के दे सकते हैं हम, क्योंकि इस टाइम या तो हम एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हैं या फिर एमरजेंसी में देखते हैं। तो बात कहने की ये है कि मैंने उसको कहा है कि आप ओपीडी आए सुबह, वहाँ पे आपकी एंट्री होगी, वहाँ पे कोई डॉक्टर साहब आपको लिख दें तो ही आपको छुट्टी मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। बताने का मकसद ये है कि भाई जान आपको शार्प माइंडेड होना पड़ेगा, बची देख रहा था, शार्प माइंडेड होना पड़ेगा। अगर शार्प माइंडेड नहीं होगे तो दुनिया आपको रोंद के चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मेरी शक्ल इतनी प्यारी तो है नहीं, बस हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग इस्तेमाल करते जाओ, तरक्की तरक्की है। अगर आप जिंदगी में तड़का लगाना चाहते हैं तो म्यूजिक में वश मल्ले और जिंदगी में दही पल्ले बहुत जरूरी होते हैं, और सोने पे सुहागा ये उस वक्त हो जब आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी लाला, अम्मा की रिपोर्टें दिखा ली हैं और अभी मैं जा रहा हूँ क्लिनिक, चाय पीने का यार टाइम ही नहीं मिला। एक बात शेयर करनी थी, वो ये कि हम डॉक्टर्स के पीए ना हमसे बड़े डॉक्टर होते हैं, मतलब हम लोगों ने पता नहीं क्यों उन्हें इतना वो छूट दी होती है, वो हमसे बड़े डॉक्टर बन रहे होते हैं जो पीएज होते हैं, बाहर पेशेंट्स के साथ ऐसे डील कर रहे होते हैं कि मतलब कि वही सब कुछ है। इस धुंधला मौसम में क्लिनिक की उदासी को ख़त्म करने के लिए ड्राइविंग के बाद अगर कुछ बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो वो एक अदद रोटी, साथ में अंडा फ्राई, और उसके ऊपर अगर कहवे का तड़का हो जाए तो मज़े ही मज़े हो जाते हैं और थकावट दूर हो जाती है। हाँ भैया, डॉक्टर साहब आए हुए थे एक, और धुंध पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि आज धुंध हो गई है। डॉक्टर साहब के साथ रोटी छोटी खाई है और आप जाएंगे फ्लैट पे, व्लॉग एडिट करेंगे और सो जाएंगे। बस यही था आज का, बीच में आपको शॉर्ट्स वगैरह दिखाते हैं थोड़े से, तो ऐसे ही बस देखते रहें आप और लगे रहें काम पे।